बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में एक पर्टिकुलर वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें बोलते हैं ग्राफ कन्वर्जन। आपको पीवी ग्राफ दिया जाएगा, एक साइक्लिक प्रोसेस होगा, उसका पीटी या वीटी ग्राफ पूछा जाएगा। आपको वीटी ग्राफ देंगे, उसका पीटी या पीवी पूछ लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपको हर एमसीक्यू बुक में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे इसके। मैं आपको आज इस वीडियो में वो सारे ग्राफ बताने जा रहा हूँ। क्विकली आप देखेंगे कि हम पीवी वीटी पीटी ग्राफ कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। तो चार प्रोसेस बेसिकली हम डील करते हैं, आइसोबारिक, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, ठीक है, राइट। हम इन चारों प्रोसेस के लिए पीवी वीटी और पीटी ग्राफ देखने वाले हैं। आइसोबारिक में अगर आपको पीवी ग्राफ बनाना है तो आइसोबारिक का पीवी ग्राफ होता है कुछ ऐसा। प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम बढ़ रही है या घट रही है, मैं एज्यूम करके चलता हूं कि यहां पर मान लेते हैं वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है। अगर ये आइसोबारिक है इसका स्लोप होगा डीवाई बाई डी एक्स डीपी बाई डीवी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी बाई डीवी जीरो है, यानी स्लोप जीरो मतलब पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है। अब अगर आप इसी का पीटी ग्राफ बनाएं तो वो कैसा बनने वाला है, ध्यान दीजिए, इसी का पीटी ग्राफ डीपी बाई डीटी, फिर से प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी चेंज इन प्रेशर जीरो है, तो फिर से ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही है, प्रेशर तो कांस्टेंट ही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगी। तीसरा ग्राफ हो जाता है वीटी ग्राफ, याद रखिए अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि वॉल्यूम होता है एन आर बाय पी इनटू टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम बढ़ रही थी, यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहां पर दोनों बढ़ेंगे बच्चों, राइट, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हम बनाते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो वैसे भी अगर आप स्लोप देखेंगे डीपी बाई डीवी तो डीवी जीरो है तो इन्फिनाइट आ जाएगा, यानी आपको ये पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाना है। प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है आप अपनी मर्जी से ले लीजिए, कि मैंने लिया है प्रेशर बढ़ रहा है बट वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसका पीटी ग्राफ देखिए, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, इट विल बी आ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वहां पर प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर यहां भी बढ़ना चाहिए। वीटी ग्राफ बनाना है अगर आपको आइसोकोरिक के लिए, वीटी ग्राफ आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा था तो यहां भी आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। वैसे भी देखना चाहते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी बाई डीटी जीरो होगा, स्लोप जीरो होगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनने वाला है ग्राफ, ठीक है। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है तो वॉल्यूम या फिर प्रेशर, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो ये हाइपरबोलिक कर्व होता है। मैंने ये एरो अपनी मर्जी से एज्यूम किया है क्योंकि मैं एक कंडीशन लेके चलता हूं उसके रिस्पेक्ट में बाकी कंडीशंस बनाता हूं। ये पीवी बनाया मैंने, इसी का पीटी देखिए आप, आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो ये रहा टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि प्रेशर घट रहा था तो यहां भी प्रेशर घटेगा। अब अगर आपको यहां वीटी बनाना है, वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ में भी आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है क्योंकि प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रही है। फिर से देख लीजिए आप, इसके लिए डीपी बाई डीटी, टेम्परेचर डीटी जीरो है, इनफाइनाइट वर्टिकल ग्राफ, डीवी बाई डीटी, डीटी जीरो है, इनफाइनाइट वर्टिकल ग्राफ। एडियाबैटिक के लिए आपका ग्राफ होता है आइसोथर्मल से ज्यादा स्टीप, शेप मोर और लेस वही होती है, ये थोड़ा ज्यादा स्टीप होता है, और अगर हम देखें तो आइसोथर्मल का स्लोप जो होता है यहां पर वो होता है माइनस पी बाय वी, और यहां पर जो स्लोप होता है वो गामा टाइम्स माइनस पी बाय वी होता है। मैं डेरिवेशन पार्ट आपके लिए नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एडियाबैटिक में पीवी वीटी पीटी ग्राफ तीनों ही कर्व होते हैं, ठीक है।
और देखिए, अब इसका पीटी ग्राफ देखिए, पीटी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होता है, इसका वीटी ग्राफ, ये पीवी और वीटी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, यहां प्रेशर घट रहा था तो वॉल्यूम बढ़ेगी, और यहां पर फिर से देखिए प्रेशर कम हो रहा है तो यहां पर प्रेशर कम होगा। ठीक है बच्चों, तो इन ग्राफ की मदद से आप कोई भी ग्राफ कन्वर्जन अब आप कर सकते हो। मैं आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू बच्चों।